गोलक, इसका नाम गोलक है। गोलक 120-130 आएगा वेट वजन। अच्छा है, टेस्टी भी अच्छा है और कच्चा है ना, कच्चा में भी खाएगा। एक किलो 30 ग्राम, 300 ग्राम, 130 तीस। अभी ये कितने उम्र का है सर? ये पाँच साल हो गया मेरे साथ। पाँच साल। ये नामडोक मई का ये गोल्ड है, इसका सीजन में दो बार आएगा फल। अभी खत्म हो गया ना ये सम, अभी देखो फ्लावर आएगा। ओके, इसलिए ऑल सीजन का, ऑल सीजन है, तीन बार दो बार आएगा। बहुत टेस्टी है, गोल्ड कलर है, कलर भी अच्छा है। नामडोक मई गोल्ड, नामडोक मई गोल्ड स्पेशल है। आप इसका लीफ का स्पेशलिटी भी बोलना है क्योंकि थोड़ा अलग है ना? हाँ ये अलग है। बोलिए सर। इसका ये 4 kg आएगा, बहुत बड़ा आम है। नाम सर? इसका 4 kg नाम है। 4 kg नाम, 4 kg नाम, नाम ही 4 kg। 4 kg और इसका कितना बड़ा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। 4 kg एक माम, एक मैंगो 4 kg। और ये डिफरेंस भी है ना सर पत्ते में? और पता में ये डिफरेंस है, और पूरा डिफरेंस है। अंबा भी डिफरेंस है, बहुत बड़ा है। पूरा इसका हमें ट्रेनिंग करके इसके रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, छोटा आएगा। इसलिए इधर देखो ये बोलिए सर, ये इसके नाम ये ब्रूनोई किंग, ब्रूनोई किंग, ब्रूनोई किंग, किंग ऑफ ब्रूनो। वाह वाह, इसका भी बड़ा अंबे है, इसका 2 kg का ऊपर है। टेस्टी भी अच्छे है, बहुत क्वालिटी है ब्रूनोई किंग। ये देखो इसका नाम सुपर क्वीन है, इधर आओ। सुपर क्वीन, क्वीन, ये सुपर क्यून है। इसके ये 2 kg आएगा, बहुत टेस्टी है, लंबा मांगे अंबा लंबा है, मैंगो बहुत अच्छा टेस्टी है, ज़्यादा फल मिलेगा इसके। कि केरला कर्नाटक का उसका क्लाइमेट के सूटेबल है। ये इरविन है फ्लोरिडा के, इसका लाल वाला रेड कलर है, बहुत अच्छा है, टेस्टी भी अच्छा है, ब्यूटी है। सिमसे मियासाकी का ये मदर है, और जापान में मियासाकी द्वीप है ना, उधर और ज़्यादा आएगा, और वर्ल्ड का एक्सपेंसिव महंगे और वो महंगा। इसका क्वालिटी अच्छा है, टेस्टी भी अच्छा है। अभी देखो दुनिया का सबका महंगा ये मैंगो, ये एक्सपेंसिव मैंगो, एग ऑफ द सन अथवा मियासाकी, इसका प्लांट इधर है। ये मियासाकी का प्लांट है। ये कितना उम्र इसमें? ये तीन साल है। इसका फल आएगा रेड कलर, मैं अभी प्रूनिंग करेगा, इसलिए प्रूनिंग करते हैं। ये प्रूनिंग किया पहले, इसका अंबा आया, मैं ये वीडियो किया पहले। वर्ल्ड का ये इसका 250,000 डॉलर में बेचती है एक फल, मियासाकी। इंडिया का आएगा तो तब 2-2.5 lakh आएगा तकरीबन। ये ऑल सीजन काठमुन है, ये विदेश वैरायटी है, वो साल में 3 बार आएगा, और टेस्टी है, और इसका अंदर है ना ये सीड बिल्कुल पतला है, और बहुत अच्छा टेस्टी है। उधर उधर बताए सर, ये इधर आम है ना? ये सुपर ड्रीम है, इसका लंबा अंडी ये सीड है ना, बिल्कुल पतला है, बहुत टेस्टी है ताइवान का। कीपिंग क्वालिटी कैसे है? और ये 10-15 दिन खराब नहीं होते सर। इसका ये केमिकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो मेथड कैसा है सर? ये मैं और केमिकल नहीं है ज़्यादा इसका, या फर्टिलाइजर 19-19-19 है ना, उसको डाल के साल में ये 2 महीने में डालना बनता है इसको। कितना डालना पड़ता है सर? बिल्कुल कमती है, ज़्यादा आएगा ख़राब होता है। और ऑर्गेनिक काउ मैन्यूर कितना डालते हैं? ऑर्गेनिक में आएगा उसके 2 kg 1.5 kg इसका डालते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इधर ही है ना, देख रहे का? ये ऑर्गेनिक है देखो,
ये ऑर्गेनिक ऐसा डालेगा सीधा, ये दूसरा ऑर्गेनिक वाला एक है, इसके नाम सुपर मिल है, उधर कर्नाटक में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। ये ना ये ऑर्गेनिक मिल अपने क्या मिल वो डालते हैं जमा ज़्यादा पूरा का प्लांट को डालेगा, ये आधा किलो इसका और ड्रम वाले का डालते हैं एक मैं दो महीने के एक बार का। और ये दो महीने के एक बार बहुत अच्छा है ये सुपर मिल है, ये भी इसका आएगा ना, और इधर ये प्लांट का पूरा ये पोलिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग ये सब वो जगह में एक रखने का लाजम बनते हैं, इसका पोलिनेशन अच्छा आएगा अम्बा के लिए और सब फ्रूट्स के लिए। देखो ये वियतनाम सुपर हर्ली गोल्ड है, अच्छा है, अच्छा टेस्ट है और ओल्ड सीजन है, अभी सीजन ख़त्म हो गया इसलिए आता है। देखो अभी छोटा छोटा है, इधर भी रंबूटान ही है, विदेश फ्रूट दूसरा ये देखो, ये देखो ये है रंबूटान, ये देखो ये नाम क्या बोले ना मालूम है इसको, जबोटिका बा सर, हाँ जबोटिका बा, जबोटिका बा, इधर भी जबोटिका बा देखो, और ये सब पूरा जबोटिका छोटा छोटा ही रहेगा सर, बड़ा होगा अभी खत्म हुआ है का, अभी और ऑल टाइम आ गए सर, ये सभी जगह में पाल सकते हैं, वो सब जगह में चलते हैं वो सर, ये जबोटिका बा, ये पूरा जबोटिका बा है। अभी देखो ये देखो जबोटिका बा, ये देखो जबोटिका सर, ये बहुत अच्छा टेस्टी है। ये अभी ये कितने उम्र का है सर, ये मेरे साथ 3 साल हो गया, ये 5 साल हो गया, बस इतना ही रहेगा टेरेस फार्मिंग के लिए। अच्छा इसका 3-4 वैरायटी है, इसका बोलते हैं रेड हाइब्रिड, इसका ये बोलते हैं स्कारलेट, इसका नाम स्कारलेट, और प्रिकोसी है और सबारा है, सबारा थोड़ा ज़्यादा टाइम बनता है ये फल लाने के। ये देखो ये पूरा मैं नामडोक में ही रखा, देखो ये पूरा नामडोक में है, ये नामडोक में है सर, नामडोक में है सर। ये अभी कितने साल का है सर ये पौधा, ये 5 साल हो गया ये पौधा, 5 साल है, वो प्रूनिंग के वजह से इतना छोटा ही है, हाँ इसलिए प्रूनिंग करने के इतना ट्रिमिंग करते ऐसा, और रूट बाउंड नहीं होगा सर, नहीं 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 इससे नहीं होगा, छोटा आएगा बहुत, कम रूट होगा, कम रूट आएगा इसका, वियतनाम सुपर हर्ली मैं ड्रम में रखा। घर का सारो घर के रखने का अच्छा है, ओल्ड सीजन में ये जैक फ्रूट मिलेगा, इसका ज़्यादा जगह नहीं बनते, छोटा जगह में बनाने के लिए सकते, वो टर्स का ऊपर रखने का वो ड्रम में सब जगह में रखने का, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, अच्छा बुशो आएगा इसका फल। देखो ओल्ड सीजन है,